हेलो दोस्तों, आज मैं खेल रहा हूँ ग्रेनी चैप्टर वन। और आज देखो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ ग्रेनी से, और आज मैं ग्रेनी से बहुत बड़ा हो चुका हूँ। तो चलो आज इस गेम को स्किप करते हैं। फिलहाल के लिए ग्रेनी मेरे को कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ और काफ़ी पावरफुल हो चुका हूँ। पहले तो मैं छोटा था ग्रेनी बराबर और ग्रेनी मेरे को मार देती थी, पर आज अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ग्रेनी मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे थोड़ा हल्की जैसा पावर मिल चुका है। चलो चलते नीचे की तरफ, बाकी ये स्क्रू ड्राइवर इसको लेना पड़ेगा। बाकी चलते हैं नीचे की तरफ। देखो ये डोर मुझे खोल के यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि इस बड़े से हाउस के अंदर मुझे ग्रेनी ने काफ़ी दिन से बंद कर दिया गया है। जो कि मैं काफ़ी छोटा था तब से इस गेम के अंदर पड़ा हूँ, इस हाउस के अंदर तब से तक आज तक मैं कभी इस गेम को नहीं स्किप किया, पर आज मैं करने जा रहा हूँ इस गेम को स्किप करने के लिए, डोर स्किप, क्योंकि मैं छोटा था। अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ तो अब मैं इस घर को तोड़ के यहाँ से निकल गया। भाई ग्रेनी किताब खा चुकी, मैं इसको फेंका था। चलो यहाँ से निकलते हैं। बाकी ये ग्रेनी मेरा कुछ कर नहीं सकती अब क्योंकि मेरे को सारा चीज़ पता है कि कौन कहाँ पे है। बाकी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, सारा चीज़ नहीं, कुछ आइटम पर पता है कौन कहाँ पे, मतलब जगह ये पता है कि कौन कहाँ पे। बाकी ग्रेनी के किचन में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखता हूँ क्या मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं ग्रेनी का ये ओवन है इसको खोलते हैं। भाई मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? और वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी गेम प्ले वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी ड्रॉवर खोलने के लिए मुझे साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है? चलो मैं बैठता हूँ एक सेकेंड, हाँ अब सही है। और ड्रॉवर खोलता हूँ तो अभी कुछ नहीं मिला, इसको भी खोलते हैं। डोर स्किप करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ आइटम चाहिए जो कि अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है। मुझे डोर के लिए जाना पड़ेगा कौन कहाँ पर। एक सेकेंड, ये खाने वाला मेलन यहाँ पे क्यों कर रहा है? चलो इसको काटते हैं, शायद इसके अंदर कुछ तो होगा। ग्रेनी ने इस मेलन को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है, और इसको काटूंगा। मैं मेलन छोटा था जब मेलन खाने के लिए बात करता था तो ग्रेनी मना कर देती थी, तो आज इसको काटेंगे और देखते हैं क्या मिलेगा। भाई इसके अंदर तो मास्टर की है भाई, ये ग्रेनी इतना सीक्रेट चीज़ छुपा कर रखी थी वो भी मेलन में। कोई ना, अभी मैं इसको ले चलते हैं दरवाजे के पास, ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम आगे का आइटम ढूंढते हैं और देखते हैं कहाँ पे। कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं इस गेम पे वीडियो आपके लिए ला दूँगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक सेकेंड, ये मुझे बैठ के जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं नीचे की तरफ, बाकी यहाँ पर तो कुछ नहीं है। और भाई चलो चलते हैं नीचे कार के पास, देखते हैं वहाँ पर कुछ आइटम देखने को मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल के लिए अभी कार के नीचे आ जा रहा हूँ। और यहाँ पे भाई कार भी कितनी छोटी लगने लगी है मेरे सामने, तो लगता है ग्रेनी ने कुछ ज़्यादा मुझे खिला पिला दिया है। और अभी एक यहाँ पे कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है। बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं, खाली पड़ा है, और यहाँ पे सब खाली पड़ा है। एक काम करता हूँ, ग्रेनी भी आ रही, कोई ना, ये तो बैट लेकर दौड़ी देती है मेरे पीछे पीछे। बाकी एक सेकेंड, वही ये तो जाने भी नहीं दे रही, कोई ना, हम इस तरफ से चल के देखते हैं। और अभी मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या है। तो भाई वहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा आइटम है जो कि मुझे नहीं चाहिए। भाई ग्रेनी क्या कर रही है, ये तो मेरा पीछे पड़ चुकी है भाई। इसको अभी मुझे पता है इसको क्या, इसको इलाज देने के लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, इसको अभी बताते हैं, अभी नहीं बाद में। बाकी यहाँ पर मुझे एक सेकेंड कटिंग फ्लावर चाहिए जो कि अभी फिलहाल के लिए मेरे पास मौजूद नहीं है। बाकी एक सेकेंड में इसके अंदर भी नहीं जा पा रहा हूँ भाई, अब लगता है मुझे उस तरफ से जाना पड़ेगा। एक ये भी दिक्कत है क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। चलो कोई ना, और अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। तो बैठ के निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे छत का जो वो सब भी मूवमेंट है वो अड़ रहा है। और बाकी मैं यहाँ से चल रहा हूँ आगे की तरफ, दरवाज़ा भी छोटा लगने लगा है, वो भी दरवाज़ा थोड़ा बड़ा है, ये तो चल जा रहा। बाकी ड्रॉवर खोलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, खाली पड़ा है। और इस तरफ भी खोल के देखते जाते हैं आगे की तरफ। एक सेकेंड बैठना पड़ेगा मुझे, अभी बैठा तो सही है। बाकी यहाँ पर मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ भाई, बैठ जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो छोटा है और मैं, अबे मैं तो आगे भी नहीं जा पा रहा हूँ, ये काफ़ी छोटा है। चलो ड्रॉवर को खोलते हैं, शायद इसके अंदर कुछ होगा, देखते हैं पहले तो। भाई इसके अंदर भी कुछ नहीं है, चलो बैठ के काम करते हैं जो भी करना है यहाँ पे। हाँ भाई मुझे विंच हैंड मिल चुका है, इसको मुझे कुएं में लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक सेकेंड, मैं तो खड़ा हो जाऊँगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे हैंडल मिल चुका है कुएँ का, वेल का, चलो उसको वहीं पर लगाते हैं। बाकी यहाँ पर भी आके चेक करता हूँ, यहाँ पर तो रिंच देखने को पड़ा है। बाकी ये ड्रॉवर है इसको भी खोलता हूँ, और यहाँ पर खाली पड़ा है। चलो मैं चलता हूँ नीचे की तरफ, और अभी इसको ड्रॉप कर देते हैं। फिलहाल के लिए एक ऊपर जाने का रास्ता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। और ये रास्ता भाई काफ़ी ख़तरनाक है, तो ये रास्ते को मुझे खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास हैमर भी नहीं है इस प्लैंक को तोड़ने के लिए, पर कोई ना, मेरे को एक सीक्रेट ट्रिक पता है जिससे मैं इस प्लैंक को तोड़ दूँगा, पर अभी के लिए मुझे चलना पड़ेगा। चलो मैं इससे कूद जाता हूँ, देखो आगे रास्ता तो सही है, पर देखो टूट जाएगा प्लैंक, यहाँ पर मुझे प्लैंक लगाना पड़ेगा। कोई रास्ता टूट गया, अभी मुझे कुछ हुआ तो नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ ना, इसलिए मुझे छोटा होता तो गिर जाता। और बाकी चलो चलते हैं आगे की तरफ, और इसको कुएं में लगाते हैं, वेल में। कुएं में लगाने के बाद इसको रोटेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर से बकेट निकलेगी, और वो बकेट को उसके अंदर कुछ आइटम रहेगा तो वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। बाकी अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ,
तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा। बाकी दोस्तों कमेंट करना ना भूले, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मैं 100% देता हूँ, तो आप लोग कमेंट करना ना भूले। तो ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और अभी यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे कार का इंजन मिला है जो कि ये तो मुझे नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे आकर चेक करते हैं क्या है। कुछ नहीं है भाई, खाली पड़ा है। शॉटगन का फॉल्ट है, ये तो बाद में ले लेंगे। फिलहाल मुझे पास रिमोट कंट्रोल मिल चुका है, जो कि एक दरवाज़ा ऐसा है जो कि रिमोट से खुलता है। बाकी देखो मेरे पास हैमर तो नहीं है, पर इस ट्रिक से इस दरवाजे को खोल लूँगा या इस प्लैंक को भी तोड़ लूँगा। तो ग्रेनी बस आती होगी और वो जैसे इस तरफ आएगी तो यहाँ पे आएगी तो प्लैंक टूट जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाके कुछ शोर शराबा कर दिया ना, तो आएगी प्लैंक ऑटोमेटिक तोड़ देगी। तो अभी मेरे पास प्लैंक है, तो इस प्लैंक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और प्लैंक लगा दिया हूँ। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या होगा मेरे पास। यहाँ पे भाई शॉटगन का पार्ट पड़ा जो कि मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं, इस रिमोट कंट्रोल को भी मुझे लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरे फ़ोन का बैटरी भी कम हो चुका है। चलो चलते हैं, हल्के रहो, जल्द से जल्द स्केप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी काम करता हूँ, यहाँ से कूद जाता हूँ मैं, इसको पहले यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, फिर कूद जाता हूँ। लकली मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, इसको उठाता हूँ और इसको दरवाजे में लगाता हूँ। ये रहा दरवाज़ा, इस दरवाजे को खोल दिया और यहाँ पर मुझे पेपर स्प्रे मिल चुका है। अच्छा हुआ पेपर स्प्रे मिल चुका है। अब ग्रेनी को अंधा करता हूँ, देख दो कहाँ गई ग्रेनी। हाँ, इसको अंधा करूँगा थोड़ा देर के लिए। ये भाई ये अपना हाथ उठा के अपने आँख में ले जा रही है, एकदम भाई गजब एक्टिंग कर रही है ग्रेनी को। और ग्रेनी के लिए मैं अंधा कर दिया हूँ उसको। चलो अभी फायर ट्रैप है और सब कुछ आइटम फ्रूट मैंने ला दिया हूँ, अब ग्रेनी को मारते भी है। ओ भाई ग्रेनी को मैंने टपका दिया और वह फ्रिज बन चुकी है, तो मतलब टूट टाट गई, यानी इसको जमा दिया था और जमा के इसको तोड़ ताड़ दिया है भाई, गजब है। चलो हैमर भी मेरे पास है, सब कुछ आइटम थोड़ा बहुत है, चलो इसको यूज कर लेते हैं। तो इसको मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा और लगाने के बाद इसको तोड़ देना है। बाकी एक मुझे यहाँ पे और पिट लॉक की मिला है, तो इसको भी यूज कर लेते हैं, जो कि एक लॉक है, तो इसको भी तोड़ देते हैं यहाँ पे। चलो दो आइटम खत्म कर लिए, बाकी और मुझे आइटम चाहिए। तो ये अभी मुझे चैन कटर मिल चुका है, इससे मुझे वायर कट करना पड़ेगा। तो वायर मैंने आपको शुरू में बताया था, तो एक यहाँ पे और एक दरवाजे में है, तो उसको भी काटना पड़ेगा। भाई करंट भी लगा दिए ग्रेनी दरवाजे में, तो इसीलिए इस वायर को कट करना पड़ेगा। चलो इसको भी कट कर देता हूँ। अब बारी है मुझे पिटलॉक कोड की, कोड तो अभी मेरे को नहीं मिला, पर ग्रेनी को अभी जरूर मारेंगे, क्योंकि जिंदा कैसे हो गई इतनी जल्दी। ठीक है, कोई ना, फायर ट्रैप नहीं फ्रीजर ट्रैप है भाई, इसको मैं यार उठा के यहाँ फेंक देता हूँ। भाई फिर से ग्रेनी फ्रीजर बन जाएगी, बाकी भाई फिर टूट गई, वो मज़ा आ रहा है भाई इसको तो ऐसे करने में। वैसे काफ़ी ढेर सारे ग्रेनी रहे, तो अब तो और मज़ा आएगा। बाकी अभी हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ मेरे पास वेपन की है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं भाई, यहाँ से कोशिश करेंगे निकलने के लिए। ओ भाई इस बार तो आराम से निकल गया, मेरे ख्याल से वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, तो नहीं बड़ा नहीं था, मतलब कि वहाँ पर मैं सही से निकल नहीं पा रहा था, ग्रेनी से शायद उसके लिए ग्रेनी की वजह से नहीं निकल पाया था शायद इसके लिए। बाकी यहाँ पर मुझे क्रॉसबो मिल चुका है, इस क्रॉसबो से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो अगर अब ग्रेनी दिखेगी तो मैं क्रॉसबो से मारूंगा, अगर हो सका तो फायर फ्रीजर से टपका के मारूंगा, नहीं तो इसमें मारूंगा। बाकी मुझे कोड भी मिल चुका है, तो इसको चलो लगा देता हूँ और यहाँ से जल्द निकलते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा भाई। इसको यहाँ पर लगाते हैं और कोड कहाँ गए, ये मास्टर की, इसको लगाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल तो मैं दरवाजे को खोल के यहाँ से निकल चुका हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा लोग कमेंट में बताना। ये ग्रेनी मेरे को दौड़ आई थी और ये ग्रेनी आ चुकी है अभी बाहर की तरफ, तो मैं काफ़ी दूर भाग चुका हूँ और ग्रेनी मेरा कुछ नहीं कर पाई है। गेम समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप फैमिली में सदस्य बन सकते हैं, इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।